हेलो दोस्तों, हम हैं राहुल और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आर के नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मींस के बूटस्ट्रैप मीडिया क्वेरी के बारे में जानेंगे आज हम। और फ्रेंड्स, साथ में यह भी जानेंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर मीडिया क्वेरी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, मींस के जो उसके रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स होते हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम एक से ज्यादा डिवाइसेस में अलग अलग लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप टेलविंट सीएसएस में इंटरेस्टेड है तो हमने उस पर पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलविंट सीएसएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स किस तरह से अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आप इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बूटस्ट्रैप मीडिया क्वेरीज रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बूटस्ट्रैप के अंदर जो ब्रेक पॉइंट्स है वो कुछ इस तरह से अवेलेबल है। आप बूटस्ट्रैप के अंदर इस तरह से मीडिया क्वेरी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लैंडस्केप फोन्स के लिए तो अगर मिनिमम विड्थ से देना है तो @ मीडिया मिन विथ 576 पिक्सल, देन इसके अंदर अपना जो भी क्लास होगा वो लिखते हैं। इस तरह टैबलेट व्यू के लिए है, डेस्कटॉप के लिए और लार्ज डेस्कटॉप के लिए। फ्रेंड्स, मिनिमम विथ मीन्स कम से कम इतना विथ होना ही चाहिए ऐसा, लाइक कि यहाँ पे जो है मिनिमम विथ 576 पिक्सल, मीन्स कि जो कम से कम 576 पिक्सल और उससे जो ज्यादा होंगे वैसे डिवाइसेस पे यहाँ पे जो भी हम क्लास लिखेंगे, जो भी यहाँ पे सीएसएस स्टाइलिंग करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, ये भी है कि यहाँ पे जो मिनिमम विथ है 768 पिक्सल है, मीन्स के जो 768 पिक्सल और उससे जो ज्यादा की डिवाइस स्क्रीन है वहाँ पे इसके अंदर जो सीएसएस लिखा होगा वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मैक्स विथ से डिफाइन करना है तो आप कुछ इस तरह भी दे सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्स विथ 575 पिक्सल, मींस के स्मॉल डिवाइसेस के लिए मैक्स विथ मींस के फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा उतना विथ होना चाहिए या फिर उससे कम, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम विथ जो होना चाहिए वो 575 पिक्सल होना चाहिए और उससे जो कम की डिवाइस स्क्रीन होगी उस पे यहाँ पे लिखा हुआ जो भी सीएसएस कोड होगा वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स बाकी भी हैं, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम विथ 1199 पिक्सल है तो मैक्सिमम विथ इतनी होगी या फिर इससे कम विथ वाली डिवाइसेस जो होगी उस पे यहाँ पे लिखा हुआ जो सीएसएस कोड होगा अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स बूटस्ट्रैप के अंदर जो ब्रेक पॉइंट्स है वर्क करते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, अगर आपको दो कॉम्बिनेशन में देना है मिनिमम मैक्सिमम ऐसे देना है तो आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम विथ स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे मैक्सिमम विथ और दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक रेंज हमने डिसाइड कर दिया कि मिनिमम विथ होना चाहिए 576 पिक्सल, मीन्स के कम से कम 576 पिक्सल और ज्यादा से ज्यादा 767 पिक्सल, मीन्स के इसके बीच के जो डिवाइस स्क्रीन होगी उस पे जो भी हमने यहाँ पे सीएसएस कोड लिखा होगा वो अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स, आप एक रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं और उस पे भी सीएसएस की मतलब कोडिंग कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो ब्रेक पॉइंट्स है वो किस तरह से हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसी को हम एक लाइव एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसमें भी एग्जाम्पल मिल जाएगा, आप इस पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अगर arcanknowledge.com ओपन करते हैं और यहाँ पे फन विद प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में जाते हैं तो आप यहाँ से भी इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं VS Code में और यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर चार डिव क्रिएट कर लेते हैं और इस चारों डिव में डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर इसको सेव करते हैं और अगर रन करते हैं तो देन ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो थोड़ा बहुत इसको स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप के क्लास यूज करते हैं, इस डिव को हम क्लास दे देते हैं रो और इनके अंदर जो भी है सबको कॉलम दे देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, तो सेट करते हैं BG प्राइमरी, इसमें थोड़ा पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग 4 और टेक्स्ट दिख नहीं रहा तो उसको वाइट कर देते हैं। इसी तरह बाकी डिव का भी कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आफ्टर स्टाइलिंग ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, आउटपुट कुछ इस तरह से होगा इनका। फ्रेंड्स, अब अगर ब्राउजर के स्क्रीन का आप बड़ा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फ्रेंड्स, सपोज का मैसेज है कि जब ये डेस्कटॉप व्यू में ओपन हो तो ये जो डिव्स अभी ऐसे दिख रहे हैं वो कॉलम की तरह दिखे, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी बूटस्ट्रैप के अंदर। अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्रीन साइज देखने जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ इंस्पेक्टर में और यहाँ पे लेआउट के अंदर बॉक्स मॉडल के अंदर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो इसका स्क्रीन साइज है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें ऐसा करना है कि जब ये 1200 के ऊपर जाए तो जो ये ड्यूज है वो कॉलम की तरह डिस्प्ले हो। तो चलिए उसके लिए लिखते हैं मीडिया क्वेरी यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर और यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल टैग क्रिएट करते हैं एक और यहाँ पे लिखते हैं मीडिया क्वेरी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट वो है कि 1200 और उससे ऊपर जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन साइज हो तो हमारा जो डिव है वो कॉलम की तरफ दिखे।
मीन्स के 1200 और उससे ऊपर। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मीन विथ कोलन 1200। मीन विथ मीन्स कम से कम 1200 हो और उससे ज़्यादा हो, तो हमें ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं मीन विथ 1200 पिक्सल। अब हम इसके अंदर अपना CSS कोड लिखते हैं जो कि हमें 1200 पिक्सल से ऊपर की स्क्रीन साइज पे अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ड्यूज है उसको कॉलम की तरह डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो कॉलम क्लास अप्लाई किया है इन चारों ड्यू पे, हम इस पे स्टाइलिंग करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे चार ड्यूज है, मीन्स के हमें कॉलम की तरह अगर डिस्प्ले करना है चारों को, तो हमें हर एक का जो विड्थ है वो 25% दे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट कॉलम और इसको सेव करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगर आउटपुट देखें इसका, अभी जो फ्रेंड्स इसका जो डिस्प्ले स्क्रीन साइज है वो है 1162.33। अब फ्रेंड्स अगर इसको हम बड़ा करें और अगर ये 1200 क्रॉस करेगा तो इसका जो व्यू होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, अगर ये 1200 के नीचे और इसकी डिस्प्ले स्क्रीन साइज इतनी हो जाए, मीन्स का अभी कितना है 531, मीन्स का हमें ऐसा चाहिए कि अगर 1200 के नीचे जाए और 531 से ऊपर, तो इसका जो व्यू हो वो एक रो में दो कॉलम की तरह डिस्प्ले हो, मीन्स के एक रो में दो और उसके नीचे दो। तो उसके लिए भी लिखते हैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी। अब फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे कंडीशन है, मीन्स हमने रेंज डिफाइन किया कि मैक्सिमम 1200 और मिनिमम 530, इसके बीच में अगर डिस्प्ले स्क्रीन साइज हो तो उसका कुछ व्यू ऐसा हो कि एक रो में दो कॉलम डिस्प्ले हो और उसके नीचे दो। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे मैक्स विथ 1200 पिक्सल एंड मीन विथ 530 पिक्सल। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि एक रो में दो कॉलम डिस्प्ले करने हैं, मीन्स का हमें विथ हर एक ड्यू का विथ कर देना पड़ेगा 50%, तो वो एक रो में दो ड्यू शो होंगे। तो यहाँ पे कॉलम वाले क्लास पे अप्लाई करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सेव किया, अब हम इसका अगर आउटपुट देखें यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा। अब इसको सेव करते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा इस पर। अब फ्रेंड्स से जो हमने जो कंडीशन दिया उसके बीच में रहेगा, तो इसका कुछ व्यू ऐसा रहेगा। अब जैसे ये 1200 को क्रॉस करेगा तो इसका व्यू ऐसा हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे लोअर में 530 को क्रॉस करेगा तो इसका व्यू इस तरह हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरह आप बूटस्ट्रैप के अंदर ब्रेक पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें मेन थिंग है ये कि ब्रेक पॉइंट्स को कैसे यूज करना, बाकी तो आप किसी भी क्लास को कैसे भी करके ओवरराइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब डिजाइन चेंज कर सकते हैं, लाइक मोबाइल में अलग और डेस्कटॉप में उसका थीम अलग या कलर अलग, इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक और ड्यू क्रिएट करते हैं, इसको क्लास दे देते हैं रो और इसमें डमी पैराग्राफ ले लेते हैं, और इसके लिए एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं और इसमें बैकग्राउंड कलर इसका सेट करते हैं, सपोज ले लेते हैं येलो, और इसको इस पे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे नीचे ही आ जाएगा। अब फ्रेंड्स सपोज हमें ऐसा कुछ करना है कि जब ये टैबलेट व्यू में हो तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, मीन्स ऑरेंज हो जाए येलो के बदले, तो उसके लिए हम जो ये ड्यू बैक वाला क्लास है इसको हम मीडिया क्वेरी के अंदर ओवरराइड करते हैं। ये अपना टैबलेट वाला मीडिया क्वेरी जो हमने बनाया था रेंज स्पेसिफाई करके, तो यहाँ पे उसको ओवरराइड करते हैं ड्यू बैक क्लास को, और इस टाइम पे बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं ऑरेंज, इसको सेव करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है तो इसको एक काम कर, इसको हम ऊपर रखते हैं। अब फ्रेंड्स ये अप्लाई हो गया है यहाँ पे, जैसे हम टैबलेट व्यू में जाते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया, यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू में येलो हो गया, इसी तरह मोबाइल व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे येलो हो गया और टैबलेट व्यू में ऑरेंज जो हमने स्पेसिफाई किया था। इस तरह फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से अपना रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट का यूज करके। और फ्रेंड्स और भी डाउट हो इसके रिलेटेड कुछ, तो आप बूटस्ट्रैप का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी रिफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो बूटस्ट्रैप के रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स है उसको कैसे यूज करते हैं और उसका यूज करके कैसे हम रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, गुड बाय।